नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। मैं रत्नसेन भारती। आज हम बात करेंगे बिहार में छाए घने कोहरे को लेकर, क्योंकि गर्मी के समय में छाए घने कोहरे से लोगों को एक बार फिर से जनवरी और दिसंबर की याद आ गई है। बिहार में इन दिनों तापमान में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रहा है। इस जारी गर्मी के बीच में अगर कोहरे की स्थिति उत्पन्न हो जाए तो इसे आप क्या कहेंगे। बिहार का मौसम इन दिनों कुछ ऐसा ही बना हुआ है। प्रदेश में दिन का तापमान तो 40 डिग्री तक पहुंच जाता है, लेकिन सुबह में कोहरा बना रहता है। मीडिया में चल रही खबरों की माने तो गंगा से सटे पूर्वी इलाकों में कोहरा छाया हुआ है। खासकर भागलपुर और गंगा से सटे आसपास के इलाकों के साथ साथ राजधानी पटना में भी कोहरा देखने को मिला है, लेकिन इस कोहरे की वजह से गर्मी पर कोई असर देखने को नहीं मिला है। इधर मौसम विभाग की तरफ से यह भी कहा गया है कि पूर्वी हवा के प्रभाव के कारण इस तरह की स्थिति बन रही है। इधर मौसम के जानकारों का कहना है कि तेज पूर्वी हवा के प्रभाव के कारण उमस बढ़ गई है, जो कि कोहरे के रूप में दिखाई पड़ रही है, जिसके कारण यह बताया जा रहा है कि गंगा तट से सटे एक से दो स्थानों पर ऐसी स्थिति बनी हुई है। लेकिन इस कोहरे के कारण प्रदेश में जारी गर्मी पर इसका कोई खास असर देखने को नहीं मिला है। मौसम के जानकारों की माने तो पिछले 3 दिनों से पूर्वा हवा का प्रभाव बह रहा है, जिसके कारण गंगा के सटे इलाकों में उमस बढ़ गई है। यही वह कारण है जिसके कारण प्रदेश में वर्तमान में जो है कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पे कोहरे की स्थिति बन गई है। मीडिया में चल रही खबरों की माने तो भागलपुर के साथ ही साथ गंगा के तटीय इलाकों में, मुजफ्फरपुर की अगर हम बात करें, मुजफ्फरपुर के भी कुछ इलाके हैं जहाँ पे कोहरे की स्थिति बनी है। वहीं अगर हम राजधानी पटना की बात करें तो गंगा के तटीय जो इलाके हैं उसमें भी जो है सुबह सुबह कोहरे की स्थिति बनी हुई थी। एक्सपर्ट का मानना है कि अचानक से मौसम में बदलाव यह चौंकाने वाला है। उनका कहना है कि अगर न्यूनतम तापमान में कोई बदलाव होता है तो लोगों को ठंड का एहसास होगा, लेकिन इस तरह की स्थिति नहीं बन रही है। इसके कारण तापमान में गर्मी देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग पटना की तरफ से जारी अपडेट के अनुसार 26 मार्च तक दिन के तापमान में किसी तरह के कोई बदलाव नहीं देखने की बात कही गई है। साथ ही साथ विभाग की तरफ से यह भी कहा गया है कि आने वाले 4 दिनों में तापमान 40 डिग्री पहुंचने की संभावना जताई गई है। ऐसे में यह बताया गया है कि इन दिनों लोगों को गर्मी से परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इस दौरान लोगों को अपनी सेहत का खास ध्यान रखने की बात कही गई है। अगर हम वर्तमान में मौसम की स्थिति की बात कर लें तो इन दिनों 38 से 40 डिग्री के बीच में तापमान है। विभाग की तरफ से जारी अपडेट के अनुसार गंगा के किनारे वाले क्षेत्र, जो कि पूर्वा हवा के प्रभाव जारी है, जिसके कारण इस इलाके में लोगों को उतनी गर्मी का एहसास नहीं हो रहा है जितने कि अन्य क्षेत्र में लोगों को गर्मी का एहसास हो रहा है। हालांकि विभाग ने यह भी कहा है कि जैसे ही हवा का रुख बदलेगा, यानी कि पछुआ हवा का प्रभाव जैसे ही बढ़ेगा, तापमान में बदलाव देखने को साफ तौर पर मिल सकता है। इस दौरान तेज़ गर्मी का एहसास होगा लोगों को। तो ऐसे में जो अभी गंगा के तटीय इलाके हैं जहाँ पे पूर्वी हवा का प्रभाव है, जिसके कारण कोहरे की स्थिति बनी हुई है, अगर हवा का रुख बदलता है, यानी कि पछुआ हवा का प्रभाव जैसे ही बढ़ेगा, वैसे ही लोगों को एक बार फिर से गर्मी सताने लगेगी। बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसे ही खबरों के लिए बने रहें बिहारी न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।